जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप भरने से पहले यानी कि फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपकी इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह भर्ती एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल यानी कि फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको यहां पर जो सैलरी दी जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा कौन से डिवीजन के लिए किस पोस्ट में कितने पद है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर आपको नीचे जानने को मिलेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के अंदर कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कितना एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। इसलिए आपको अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है और जिस भी पोस्ट पर आपको लगता है कि आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए उसी पोस्ट पर आपको इस वीडियो को आगे देख करके अप्लाई कर लेना है। अब चलिए यहां पर आपको आना है जो कि आपका अप्लाई लिंक है और इसके बाद आपको यहां पर ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है। जैसे कि हम यहां पर ये सिलेक्ट करते हैं देन हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको सीट्स की जानकारी दी जा रही है। तो आपको जिस भी सीट्स के लिए या फिर रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने आपको जो सिलेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहां पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ का लिंक आपके सामने आ चुका है। आपको यहां पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है। यहां पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ये सब जानकारी फिलअप करनी है। तो चलिए आपको बताता हूं कि कैसे आपको इनको भरना है। तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने फर्स्ट नेम, तो आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और इसके बाद अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लास्ट नेम एंटर करना है। जेंडर यहां से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस बताना है सिंगल हो या फिर मैरिड हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। ये नेम एंटर करने के बाद आपको यहां पर अपनी माता जी का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहां पर आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आएगा आपके सामने स्टेट ऑफ ओरिजिनल, तो आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं सिलेक्ट करके, मैं इसको OBC सिलेक्ट करता हूं। OBC सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे जिसमें कि आपको नेम ऑफ कास्ट या फिर कम्युनिटी देनी होगी, डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट बताना होगा, साथ ही आपको यहां पर कास्ट EWS सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, जिसमें कि आप यहां पर अपनी जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर एक अधिकारी का नाम होगा किस पोस्ट के द्वारा, जैसे कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, तो आपको उस अथॉरिटी का नाम देना होगा जिसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप के बारे में जानकारी है, अगर है तो आप यहां पर इसको भर दीजिए या स्नो करके, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अब आता है एलिजिबिलिटी टू डिक्लेयर, तो यहां पर आपको कुछ पूछा है कि हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट, तो अगर आप ऐसे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद एलिमेंट्स डिफेंसिस, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि इन चीज़ों से डायग्नोस्ड यानी कि प्रभावित हुए हो या फिर आपको बीमारी हुई है ये वाली, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप यस कर रहे हो तो आपको उसकी जानकारी थोड़ा डिटेल में देनी होगी। एड्रेस की जानकारी आपको भरनी है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद है आपका अपलोड सिग्नेचर एंड इमेज, तो सबसे पहले यहाँ पर है सिग्नेचर, तो आपका फॉर्मेट इनमें से किसी एक उसमें होना चाहिए, बेसिकली JPG है, तो और चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इसको
यहाँ पर आता हूँ एंड देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आप उसको देख भी सकोगे। फिर आपको सेम वे में अपना फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन कंपलसरी रूप में मांगी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दो विकल्प आपके सामने हैं, जिस भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे आपसे पूछा कि वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। वेदर पास्ट के आपने पास कर लिया तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं कि हाँ हमने पास कर लिया है। इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, तो बेसिकली यहां पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देना होगा जहां से आपने ये की है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में मैं इसको पूरा लिख लूंगा। नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड या फिर एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो यहां पर दोस्तों पहले तो आपको स्कूल नेम, यानी कि अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन की है तो आपको यहां पर भी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और आगे भी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से की है तो पहले आपको डिग्री कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम देना है और जो आपके इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है जिस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहां पर देना है, यानी कि एंटर करना है। इसके बाद मंथ ईयर ऑफ एडमिशन, तो आपने कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर एडमिशन लिया था, पहले मंथ सिलेक्ट करना है, फिर यहां से आपका जो भी ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके सामने आएगा मंथ ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर पास कर लिया था वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं 2020। इस प्रकार से आपको इसको एंटर करना है। फिर आता है कोर्स ड्यूरेशन, जो कि आपका यहां पर आ चुका है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भर करके दिखा रहा हूं, जैसे कि यहां पर 2014 से मैं इसको 2017 करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कोर्स की ड्यूरेशन आ चुकी है। फिर नीचे आप देखेंगे सिलेक्ट दी मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच, तो ईयर वाइज है या फिर सेमेस्टर वाइज, तो हम यहाँ से इसको ईयर वाइज कर लेते हैं। नीचे आपके सामने जानकारी ईयर वाइज जो नंबर फिल करने हैं वो दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पर ईयर सेमेस्टर, तो मैं यहाँ से इसको 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड, आपको कितने नंबर आए थे तीनों सेमेस्टर या तीनों ईयर्स की मिला करके, वो आपको एंटर करने हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये भर करके, जो कि है हमारे 1400 ये। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, तो हम यहाँ पर टोटल मार्क्स डालते हैं 1500। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोला कि डू यू पोसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर के अंदर एक सिलेक्ट करना है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि जिस कंपनी के अंदर आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है उसका नाम आपको देना है। एक्सपीरियंस टाइप क्या था, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार या फिर अप्रेंटिसशिप, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयर टाइप यानी कि किस तरह की कंपनी थी, PSU, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर ऑटोनोमस बॉडी, जो भी टाइप की थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कब आपने अपना वर्क स्टार्ट किया था, जॉब ज्वाइन की थी या फिर अप्रेंटिस की थी, वो डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको वो डेट मंथ ईयर सिलेक्ट करना है जब तक आपने काम किया था। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे ऐड अबो एक्सपीरियंस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपके यहां पर ऐड हो जाएगी। फिर आपको नीचे ये सिलेक्ट करना है कि आई वांट एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है एम्प्लॉयमेंट या फिर अप्रेंटिस, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। और यहां पर दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फी डिटेल आ जाएगी। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC EWS से भर रहे हैं उनको फीस जमा करनी है, SST को कोई फीस जमा नहीं करनी। मैंने ST सेलेक्ट किया ताकि बिना फीस के ही आपको आगे का प्रोसेस दिखा सकूं। तो आपको यहां पर फीस जमा करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको टिक करना है, आपके सामने सबमिशन का पेज आ जाएगा। आप अगर अभी जितनी भी जानकारी भरी है उनको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस के ऊपर भी क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं या फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी का प्रीव्यू देख सकते हैं। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आपको नीचे आना है और वैलिडेट नाउ के ऊपर क्लिक करके यहां से आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां से सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको यहां पर एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है, तो आपको इस नंबर को सेव कर लेना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि यह जानकारी आपके पास सेव रहे और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाओगे। इसी प्रकार
प्रकार से दोस्तों आप लोग IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।